हमारे बिहार ने पहली बार बिहार का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, लेकिन ये बताते हुए हमें कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि हमारे बिहार ने ये जो छलांग लगाई है, ये नीचे से छलांग लगाई गई है और मात्र 5 दिन में 4 पुल अभी तक गिर चुका है और बिहार ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। बिहार एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर मात्र 5 दिन में 4 पुल गिर जाते हैं, करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल गिर जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये जो पुल गिर रहा है करोड़ों की लागत से, जब आप पूरा विश्लेषण सुनेंगे तब आपको महसूस होगा कि ये आपके घर का पैसा गया है या आपके पॉकेट का पैसा गया है, और यही पैसा जो आपके बाल बच्चे के भविष्य को सुनहरा भविष्य बनाने में काम आता, वो सरकार ने कैसे बर्बाद कर दिया है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले, और आप लोगों ने किसी न किसी न्यूज चैनल पर सुन लिया होगा कि बिहार में 3रा पुल भी गिर गया है, लेकिन आपको बताते चले कि ये न्यूज वाले आपको झूठा बता रहे हैं और मात्र 5 दिन में 3 नहीं बल्कि 4 पुल धराशायी हो चुका है। और आपको बताते चले कि 18 जून दिन मंगलवार को अररिया में बकरा नदी पर बना हुआ पुल धराशायी हो जाता है, और कुछ ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 12 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, तो वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 31 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। वहीं 21 जून को सिवान के दरौंदा में नहर पर बना हुआ पुल धराशायी हो जाता है, और ठीक उसी दिन मोतिहारी में ललबेगिया में एक पुल धस जाता है जिसकी गिनती कोई न्यूज चैनल वाला नहीं बता रहा है। यानी कि मात्र 18 जून को अररिया के बकरा नदी पर, 21 जून को सिवान के दरौंदा में नहर पर बना हुआ पुल, और उसी दिन मोतिहारी में एक पुल धस जाता है। वहीं 22 जून को घोरा सहन में एक पुल जो है वो धराशायी हो जाता है। और आपको बताते चले कि अब तक बिहार में 4 पुल मात्र 5 दिन में धराशायी हो चुके हैं। वहीं एक भविष्यवाणी और कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जल्दी ही 2 पुल गिरने वाला है, और जल्दी ही 2 से 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर में मुजफ्फरपुर में भी 2 पुल गिरने जा रहा है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? और आपको बताते चले कि दरअसल सिवान, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल और अब मुजफ्फरपुर की बारी है, और लगातार बिहार के जितने भी जिले हैं सारे जिले में जो भी पुल बन रहे हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। और बिहार सरकार ये सारे पुल का निर्माण करा रही थी, और आपको जानकर ये और ज़्यादा सुखद आश्चर्य होगा कि दरअसल हमारे भागलपुर में जो पुल गिरा, किशनगंज में जो पुल गिरा, वगैरह वगैरह जहाँ पर भी पुल गिरा, कभी भी किसी भी इंजीनियर को ना तो नौकरी से निकाला गया, ना तो बर्खास्त किया गया, और ना ही किसी ठेकेदार को, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सरकार से सवाल पूछने का जी करता है कि अंग्रेजों ने जो पुल बना करके गए हैं, जो इमारत बना करके गए हैं, वो 100 साल से 150 साल से जस का तस पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार सरकार जो भी पुल का निर्माण करा रही है वो 2 महीना 6 महीना तो छोड़ दीजिए, उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो जाता है, यानी कि ब्याह से पहले ही श्राद्ध हो जाता है। और बिहार सरकार ने ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि ब्याह से पहले श्राद्ध कराने वाला जो कीर्तिमान है, इसने बिहार को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिलवा दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब इन सब का जिम्मेदार कौन है, तो इन सब का जिम्मेदार हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनके अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट ये सारे पुल चढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए और कार्रवाई क्या हो रही है वो भी आप जान लीजिए कि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इन सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड ही सिर्फ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी को आप ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं तो उसी कंपनी का मालिक दूसरे नाम से
पत्नी के नाम से, बच्चा के नाम से, चचेरा फुफेरा मौसी के नाम से, फुआ के नाम से लाइसेंस लेकर के फिर से काम शुरू कर देता है। इन लोगों को अगर 12 करोड़ की लागत से अगर कोई पुल अगर बन रहा हो, 25 करोड़ की लागत से अगर कोई पुल अगर बन रहा हो, अगर वह पुल धराशायी हो जाता है तो उसका दो गुना यानी कि 12 करोड़ की लागत वाला से 24 करोड़ रुपया, 25 करोड़ की लागत वाला से 50 करोड़ रुपया उस कंपनी से वसूलना चाहिए। क्योंकि आपको बताते चले कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी चोट अगर कोई होती है तो वह आर्थिक चोट होती है। आप किसी को 10 फेट मार दीजिए, 2 महीना जेल में रख दीजिए, उसको निलंबित कर दीजिए, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जो आर्थिक चोट होती है वो पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है और उसके बाद ही अकेले अधिकारी सीखते। आपको बताते चले कि पुल कहीं पे भी बन रहा हो, रोड छोटा सा बन रहा हो, नाली कहीं पे बन रहा हो, तो सबसे पहले वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको रंगदारी देना पड़ता है। लोकल जो गुंडा जो होता है, जिसको टिनही हीरो कहा जाता है, उसको चंदा देना पड़ता है। जो विधायक जी होते हैं उनके पास हिस्सा पहुँचता है, सांसद महोदय के पास हिस्सा पहुँचता है, उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा जो होता है उसके पास हिस्सा पहुँचता है। तब सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पुल अगर 10 करोड़ की लागत से बन रहा हो और 5-5% इंजीनियर खा ले, मुखिया खा ले, वार्ड कमिश्नर खा ले, विधायक खा ले, सांसद खा ले, तो बचेगा क्या? 1 करोड़ में बचेगा 50 लाख रुपया। अब 50 लाख में से जो ठेकेदार कंपनी उस पुल का निर्माण करा रही है उसको भी फायदा चाहिए, अब 10 से 20 लाख रुपया वो फायदा रख लेगी। तो 1 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल अगर 30 लाख की लागत से अगर बनता है तो उस पुल का धराशायी होना तय है। और बिहार की नीतीश सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, आप छोटा सा कुछ भी अगर बनवाने जाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, उसमें भी घूस लिया जाता है। आपके घर में डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, आप थाना में FIR करने जाते हैं, आपका FIR नहीं लिया जाता है, 2000, 5000, 10000 आपसे घूस लिया जाता है, उसके बाद FIR किया जाता है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके बाद फिर आपको पैसा देना होगा तब गिरफ्तारी होगी। वहीं पुलिस तो मोटरसाइकिल वालों से कि कौन हेलमेट नहीं पहना है उससे पैसा वसूलने में व्यस्त है। पुलिस किस चीज में व्यस्त है? तो पुलिस व्यस्त है नेताओं को, छुटभैया नेताओं को सुरक्षा देने में व्यस्त है। ठेकेदार मजा ले रहे हैं, BDO मजा ले रहे हैं, CO मजा ले रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार इतनी हद तक घुस गया है कि जिससे अब निकाल पाना, अब कोई महायोद्धा आएगा जो कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, जिस प्रकार में नालंदा में 850 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से निर्माण कराया गया, जिस प्रकार से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अयोध्या में लगभग 500 सालों के कड़ी परिश्रम के बाद, कितने त्याग और बलिदान के बाद मंदिर बना, ठीक उसी प्रकार से कोई योद्धा आएगा जो कि बिहार को बदल सकता है। वरना ऐसा लग रहा है कि बिहार को तो इन नेताओं ने ऐसा समझ लिया है कि जैसे कि शमशान में कफन तक लूट लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में गरीबी इतना ज़्यादा है और उन गरीबों का खून चूसा जा रहा है। ये जो पैसा है ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। आप एक माचिस भी खरीदते हैं 1 रुपया का, उसमें भी आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसमें आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं 10 लाख रुपये का, तो उसमें 1.5 से 2 लाख रुपया तो सिर्फ लिखाने में लग जाता है, वो सरकार को पैसा जा रहा है। तो आखिर सरकार अपने बाप के घर से नहीं देती है, अपना कोई पुश्तैनी जमीन बेच करके पुल नहीं बनवा रही है, बल्कि हमारे और आपके गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है जो कि बर्बाद कर रहा है। जरूरत है बिहारियों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की, उन ठेकेदारों को बीच चौराहे पर फांसी दे देने की, उन ठेकेदारों को 2 गुना 4 गुना जुर्माना लगाने की जरूरत है। और अगर आप हमसे सहमत रखते हो या असहमति रखते हो तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।